इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सूरज सांवरिया आरटीआई। चंद्रदेव प्रसाद की एक ही सोच, एक ही सपना है, हर घर में सरकारी नौकरी हो जहां बेहतर ढंग से दी जाती है प्रशिक्षण। नामी कंपनी में प्लेसमेंट ऐसी व्यवस्था है, यहां तो आप क्यों जाएं दूसरे यहां। नामांकन आरंभ है फीटर इलेक्ट्रिशियन सीटों पर, पहले आए और पहले पाए। आकर्षक उपहार एवं पैकेज के साथ छपरा का विश्वसनीय आईटीआई सुरेश सांवरिया आईटीआई। नामांकन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मसरख थाना क्षेत्र के हरपुरजान गांव में शनिवार की देर शाम दो समुदायों में जमकर हुई मारपीट में एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक समुदाय में घायलों की पहचान हरपुरजान गांव निवासी भोला राय के 50 वर्षीय पुत्र सुधीर राय नाम दुलार राय के 50 वर्षीय पुत्र विगन राय के 18 वर्षीय पुत्र अनूप कुमार स्वर्गीय दुर्गा राय के 70 वर्षीय पुत्र भोला राय सुभाष राय के 25 वर्षीय पुत्र गुड्डू कुमार जानकी राय के 35 वर्षीय पुत्र नंदीश कुमार और दूसरे समुदाय के जाकिर मियां के 35 वर्षीय पुत्र बाबुद्दीन आलम रफीक मियां के 22 वर्षीय पुत्र सोना आलम हबीब मियां के 45 वर्षीय पुत्र रोजा मियां करामुद्दीन मियां के 26 वर्षीय पुत्र मैनुद्दीन आलम बाबुद्दीन मियां के 16 वर्षीय पुत्र जावेद आलम के रूप में हुई। मामले में मारपीट की घटना सुनकर मौके पर डीएसपी मढ़ौरा इंद्रजीत बैठा, थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा पूरे दल बल के साथ पीएससी परिसर पहुंच मामले की जानकारी ली और उनके गांव हरपुर जान गए। मामला है कि शुक्रवार को सार्वजनिक चंदे से बने पुलिया पर बच्चे छलांग लगाकर पानी में स्नान कर रहे थे, जिससे पुलिया की मिट्टी पानी में जा रहा था, जिस पर बच्चों को रोका गया। फिर शनिवार को धान के खेत में दूसरे पक्ष की बकरी धान चर रही थी, उसी को लेकर जमकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में तलवार फरसे चलने लगे, जिसमें सभी घायल हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए पीएससी मसरक में भर्ती कराया गया। मामले में आधा दर्जन को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में जांच कर रही है। हुआ गुड्डू कुमार घर कहाँ हुआ? हरपुर जी, हरपुर जान से लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोग मारपीट कर करके आए थे, दो ग्रुप में थे लोग। यहाँ एक प्राथमिक उपचार यहाँ कर दिया गया, एक तरफ के चार लोगों को और एक तरफ के दो लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया, बाकी लोगों का इलाज। फोटो कितना है? 13। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।